हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में आप सीखेंगे 2 HP मोटर के लिए कितने एमएम साइज की केबल लगवाएं। दोस्तों आपको पता है 2 HP मोटर का उपयोग है लघु उद्योगों इंडस्ट्री आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों आप वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों नई नई वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास 2 HP सिंगल फेस मोटर है जो 230 वोल्टेज पर वर्क करती है। दोस्तों हमें क्या है इसका एमएम जो केबल का एमएम साइज निकालने के लिए हमें सबसे पहले करंट का पता होना चाहिए, तभी दोस्तों क्या है हम क्या है इसका एमएम साइज है वो केबल का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें करंट निकालने के लिए मोटर का हमने पहले वीडियो इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था, दोबारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सिंगल फेस मोटर के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, पी बराबर है वी आई कॉस फाई, और 3 फेस मोटर के लिए पी बराबर √3 वी आई कॉस फाई। दोस्तों हमारे पास जो सिंगल फेस मोटर है इसलिए दोस्तों हम क्या है पी बराबर वी आई कॉस फाई का जो फार्मूला है लेंगे। जो हमें निकालना है करंट पहले आई बराबर पी वटा वी कॉस फाई। आपके पास 2 HP की मोटर है तो दोस्तों 2 HP को क्या करने के लिए 746 को आप 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1492 वाट, यानी वोल्टेज 230 वोल्ट वर्क करती है। तो ये कॉस फाई यानी 230 पावर कॉस फाई यानी 0.8 पावर फैक्टर है इसका। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.10 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो अब दोस्तों क्या है हमें क्या है 50% एक्स्ट्रा लेना चाहिए, ओवरलोड हो या और हो तो क्या दोस्तों हमें क्या है 50% एक्स्ट्रा लेना चाहिए। तो दोस्तों वो 50% एक्स्ट्रा आ जाएगा 12.15 एम्पियर करंट आ जाएगा इसका। तो हमें क्या भारी जो 2 HP मोटर है वो 12.15 एम्पियर करंट लेगी। तो दोस्तों हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट के हिसाब से हम क्या है समझेंगे। देख सकते हैं दोस्तों जैसे तारों का व्यास और यानी जो है इसका जो व्यास है और ये यहाँ पे एमएम साइज सबसे पहले दिया हुआ है, यानी 1 mm 1.5 mm 2.5 mm जो केबल का साइज दिया हुआ है। हमारे पास सिंगल फेस केबल है तो हम देखेंगे 2 केबल एकल कला यानी सिंगल फेस केबल लेंगे। तो हमारे पास जैसे मान लो दोस्तों ये तांबे की मान लो केबल हमें लेनी है तो ये क्या है 12.15 एम्पियर मान लो करंट ले रही है। तो आप दोस्तों यदि तांबे की मान लो लेंगे तो आप 1.5 mm स्क्वेयर की केबल लेनी होगी, और यदि दोस्तों आप एल्यूमिनियम केबल लेते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं एक डायग्राम और दिया हुआ है, यानी 15 एम्पियर इसमें करंट पे ये आ जाएगा। 4 mm साइज की आप केबल लेंगे एल्यूमिनियम के लिए, आप 4 mm साइज की केबल लेंगे, और जो तांबे की जो कॉपर के लिए आप क्या करेंगे कॉपर के लिए आप लेंगे 1.5 mm स्क्वेयर की। तो अब इसी हिसाब से क्या है आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों वीडियो से रिलेटिव कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों नए नए वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।